अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, 2 बरस के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। नेता लोग आकर क्या कहता है, वोट हमको दीजिए तो आपका ये काम करेंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, और बच्चों के पढ़ाई रोजगार का गारंटी प्रशांत किशोर से लीजिए, लेकिन वोट वैसे देना है जैसे हम रास्ता बताएंगे। रास्ता सीख लीजिए और फिर जाकर जिसको मन है लालू को, मन है लालू को वोट दीजिए। नीतीश को देना है नीतीश को दीजिए, मोदी को देना है मोदी को दीजिए, जन स्वराज को देना है जन स्वराज को दीजिए, लेकिन रास्ता अगर सीख कर जाइएगा तो 2 बरस में आपके बच्चों का भला होना ही होना है। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको चुपचाप ऐसे बैठना नहीं है, भाषण नहीं सुनना है, आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना कहकर आपको जोर से बताना है। जब सवाल पूछे हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है, आप 15 मिनट में 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको सवाल का जवाब देना है, मुंह खोल के जोर से। जरा जितने लोग आप आए हैं सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, सबको जोर से बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए जो खड़ा है उसको भी हाथ उठना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, जितने लोग यहां आए हैं चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, हिंदू हैं या मुसलमान, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आपको पहले से है, देखिए कितना लोग समझदार है। सारा लोग कहा कि भैया पढ़ाई या रोजगार तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आप सबको है, तभी आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी क्यों है। अब सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपने पूरा समाज का दशा देखिए, चुप, सारा अकिल गुम। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे देंगे, आधा आधा घंटा खड़ा होकर भाषण होगा, हे भैया रोजगार होना चाहिए। नेताजी को गलिया रहे, कोई लालू को गाली दे रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी जी पर खिसी आया है, कोई सांसद विधायक को गाली दे रहा। आप अपना दुर्दशा देखिए, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आपने आज तक वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। अब कोई खड़ा होके कहेगा, बिहार में बकैती बहुत है, कोई खड़ा होके कहेगा हे भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो ही मिलेगा। किसको हम लोग वोट दे कि ये मिले, हम लोग तो सबको वोट देकर देख लिए। अभी हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे वोट जिसको भी दो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा, ये अभी दिखाएंगे। एक सवाल हमने पूछ लिया, 2 को सवाल बाकी है। सब लोग सोचकर बताइए, हाथ उठाकर बताना है सबको, आज तक आपने जिस नेता को दल को वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। उठाइए हाथ, सबको बोलना है, जोर से बोलो किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, नहीं किया है,
अब पीछे मत हटिएगा, सब लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, आपस में बात नहीं करना है। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए कोई आज तक कामे नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको भी अपने आंख के सामने दिखेगा कि बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जोर से बोलना है, हाँ या ना, जोर से बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके पीरों करारी में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो पहले अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए राम जी का। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, एक पुरुष वो बैठे हुए हैं कि कोई हाथ नहीं उठा रहा है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा कि बिहार में बिजली सड़क चाहिए, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिले चाहे ना मिले, बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलो, आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहता है लालू जी कुछ किए चाहे नहीं किए, लालू जी के राज में गरीब को, वंचित को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला, तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए जोर से, मिला कि नहीं मिला? मिला। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में देश में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आज के हमारे बच्चे पीरो तरारी के नवयुवक गुजरात में जाकर मजदूरी रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कोरोना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला, अभी तो इतना चलाक बनकर बोले भैया तो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, जाति का चर्चा चलिए रहा है, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया, इसीलिए ये 2 साल से पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहां फैक्ट्री कैसे लगेगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जब यही आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा?